शेरघाटी में मोरहर नदी पुल की रेलिंग तोड़कर लटक गया भारी वाहन, नदी में गिरने से बाल बाल बचा। शेरघाटी में जीटी रोड के मोरहर नदी पुल की रेलिंग तोड़ते हुए मंगलवार की भोर में एक ट्रक पुल पर खतरनाक ढंग से लटक गया। यह तो चालक और ट्रक में सवार लोगों का नसीब अच्छा था कि भारी गाड़ी नदी में नहीं गिरी। हादसे का शिकार हुआ ट्रक औरंगाबाद की तरफ से आ रहा था। बाद में क्रेन की सहायता से इस ट्रक को हादसे वाली जगह से हटाया गया। देखिए क्या है पूरा मामला। मैं यहाँ पर मोरहर नदी के पुल पर खड़ा हुआ हूँ, शेरघाटी के बिल्कुल करीब। यह पुल पिछले एक वर्षों से चर्चा में बना हुआ है, कभी दुर्घटनाओं को लेकर, कभी घपले घोटाले को लेकर, तमाम वजहों से यह पुल चर्चा में बना हुआ है। अभी जो हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, अभी से 4-6 घंटे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर कि वो जो पुल की रेलिंग है वो एक करीब 20 फीट की चौड़ाई में वो रेलिंग टूट गई है। उसकी वजह यह है कि हम जहाँ पर खड़े हुए हैं उसके ठीक पीछे एक बड़ा ब्रेकर टाइप का बना हुआ है। उस जॉइंट स्पैन को छिपाने के लिए NHAI के लोगों ने उसको ये ढका है और वो इतना ऊंचा हो गया है कि स्पीड में या तेज़ रफ्तार में आती गाड़ियाँ अक्सर उससे उछल जाती हैं और असंतुलित हो जाती हैं। पिछली रात भी, मतलब भोर में भी यही हुआ कि एक वजनी ट्रक जब उससे उछल गया, उस ब्रेकर से अचानक, कोई निशान भी नहीं है, जंप किया, तो जंप करने के बाद सीधे ये 2-2.5 फीट ऊंची वो फुटपाथ पे आ गया, उसके बाद रेलिंग से टकराया। ये सौभाग्य था उन चालकों का, उस ट्रक में बैठे लोगों का, कि वो ट्रक नीचे नहीं गिरी। बाद में उसको JCB की सहायता से, क्रेन की सहायता से अभी सुबह में हटाया गया है। हम जिस पुल पर खड़े हैं वहाँ पे पिछले साल इसकी मरम्मत की गई थी, इसके जॉइंट स्पैन को ठीक किया गया था और इसमें NHAI की तरफ से करीब 60 लाख रुपया खर्च किया गया था और बिहार राज्य पुल निगम के अधिकारियों ने इसकी मरम्मत करवाई थी, लेकिन वो इतना घटिया था। अभी आपको दिखा रहे हैं तमाम जॉइंट स्पैन के, किस तरह छोटे पहिए की गाड़ियाँ उसमें जब जाती हैं तो वो असंतुलित हो जाती हैं, हादसे का भय बना रहता है 24 घंटे। और चूंकि यह शेरघाटी शहर और शेरघाटी जेल, शेरघाटी कोर्ट, शेरघाटी के DSP ऑफिस के बीच में यह पुल बना हुआ है मोरहर नदी पर, इसलिए इस पर दिन में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहती है। पैदल चलने वाले लोगों की, बाइक सवारों की, छोटे सवारी गाड़ी में चलने वाले लोगों की, तमाम। और इसके बावजूद इसकी दशा इतनी ख़राब हो गई है, तमाम अधिकारी जो जिम्मेवार हैं इसकी मरम्मत के, वो सब लोग लापरवाही से अपनी जगह उदासीन होकर बैठे हुए हैं। हमारे साथ यहाँ पर कई ऐसे राहगीर लोग हैं जो अपनी छोटी गाड़ियों से यहाँ से गुजरते हैं, हम इनसे बात करेंगे क्या स्थिति है, क्या होना चाहिए। जी, यहाँ की स्थिति है कि ये जो रिपेयरिंग हुआ है ये इतना हाइट करके कर दिया गया है कि ये बड़े ठोकर का काम करता है। एक छोटा ठोकर होता है तो गाड़ी बर्दाश्त करके चली जाती है, लेकिन ये करीब करीब 1 फीट लंबा ये हाइट का ही ठोकर है, जिसकी वजह से मेन रोड है, गाड़ी की जो गति है वो पूरी स्पीड में रहती है, जिसकी वजह से ओवरलोड मैंने लोडेड माल था, जिसकी वजह से गाड़ी वहाँ से छल मैंने तिरछे भागती हुई, क्योंकि कहीं पर ठोकर भी जो है वो कहीं पर नीचे है, कहीं पर ऊंचा है, तो जिधर टायर का झुकाव ज़्यादा था वो गाड़ी जो है वो बाएं तरफ पूरा टर्निंग ले लिया और पीछे तरह से जो मारा तो मारते हुए वो पूरा गाड़ी जाके फंस गया। तो उसको सुबह में जो है वो किराए इसे JCB वगैरह से, मशीन वगैरह से वो निकाल करके हटाया गया, लेकिन अभी की स्थिति यही है कि यहाँ पे हम लोग यही सोच रहे हैं और आपके माध्यम से यही चाहेंगे कि यहाँ पे फिलहाल हम लोग बांस से इसको बैरिगेटिंग कर दें कि ताकि जो पैदल जाने वाले लोग हैं वो कहीं मिस करके वो नीचे नहीं चले जाएँ, नदी में नहीं चले जाएँ। इसलिए जो इस विभाग के आदमी, रोड विभाग के आदमी, NHAI के लोग हैं, उनसे इस माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम कहना ये चाहेंगे कि इसको शीघ्र जल्द से जल्द इस काम को कराया जाए और वो जो ठोकर बना हुआ है जिसको अगर कहा जाए तो समतल करके उसको किया जाए, नहीं तो ये रोड पर, हमको तो कई बार लगा कि हम लोगों को बोलें कि भाई ये कब्रिस्तान रोड पर बना दिया गया है, जो लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि हाइट काफ़ी 1.5 फीट है। अब तो खैर, नाम है आपका? मेरा नाम एहसान अली खान कहते हैं हमको, हम रहने वाले थे हमजापुर के हैं। तो उसकी वजह से एहसान साहब ने बहुत सारी चीज़ें बताई, आप गुजर रहे हैं यहाँ पर बाइक से, थोड़ा सा बताइए क्या फील करते हैं आप रोड को लेकर के? रोड को क्या है, देखिए हाल हमारा रोड का बुरा ही है, सही बन नहीं रहा, बनता है थोड़ा सा फिर खराब हो जाता है रोड।